तो हेलो स्विमर्स, देखिए पार्ट टू है वाटर ट्रेडिंग का। तो पार्ट वन में मैंने हैंड मूवमेंट, लेग मूवमेंट, बॉडी पोजीशन और प्रैक्टिस किस तरह करना है मैंने सब बता दिया ना। अब आते हैं कि आपको वाटर ट्रेड गहरे पानी की तरफ किस तरह करना है, मतलब गहरे पानी की तरफ अब हम लोग अप्रोच कर रहे हैं ना। तो देखिए गहरे पानी में वाटर ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट होता है किक बोर्ड का यूज़ करना। किक बोर्ड का यूज़ किस तरह, जैसे आप गहरे पानी में हैं, जैसे मान लीजिए जैसे ये लगभग मान लीजिए जैसे आपकी हाइट 5'5" है, तो जैसे आप 6 फीट की तरफ जाना चाहते हैं तो 6 फीट की तरफ जाइए, किक बोर्ड ऐसे लेके जाइएगा। ठीक, किक बोर्ड ऐसे लेके गए, फिर किक बोर्ड ऐसे छोड़ के कुछ देर 2 सेकंड 5 सेकंड वाटर ट्रेड करिए। जब आपको लगे अब नहीं हो रहा है, तुरंत किक बोर्ड को आराम से पकड़ के अपने चेस्ट के पास रख लीजिए। ठीक, फिर जब आप रिलैक्स हो जाए फिर इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा, देन फिर वाटर ट्रेड करने लगिएगा इस तरह। तो इस तरह शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में आप सिर्फ 5 सेकंड 10 सेकंड तक ही कर पाएंगे। ठीक, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन टाइमिंग इसी तरह बढ़ेगी आपकी। जैसे 5 सेकंड तक आपका पहला टारगेट था, उसके बाद आप क्या करेंगे, टारगेट करेंगे कि 10 सेकंड तक हो जाए, फिर 10 सेकंड करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर 15 सेकंड को ट्राई करेंगे। ठीक, और फिर एक काम और कर सकते हैं, जैसे मैंने वॉल पकड़ा हुआ है, आप वॉल के पास रहिए, रिलैक्स करिए थोड़ा सा, एकदम वॉल के पास ही रहेंगे। ठीक, उसके बाद वॉल को तुरंत छोड़ के वाटर ट्रेड करिए, फिर जैसे लगे आपको नहीं हो रहा है तुरंत पकड़ लीजिए इस तरह। ठीक, फिर इस तरह जब अप्रोच करेंगे, देखिए हमेशा फेस शैलो वाटर के साइड में ही रखिएगा, इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा डर कम लगेगा, हल्का सा फिर पीछे आ जाइएगा इस तरह। ठीक, हल्का सा पीछे आके फिर से ये इसको रिपीट करिएगा, ये फिर जब आपको लगे कि अब नहीं हो रहा फिर इसको पकड़ लीजिएगा। फिर इसी तरह शैलो साइड देखेंगे ना, तो वहाँ पर आपको लोग ज़्यादा दिखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड रहेगा। अगर आप गहरे वाले एक साइड की तरफ देखेंगे ना तो आपको थोड़ा डर ऑटोमेटिक लगने ही लगेगा। तो उस डर को निकालने का सबसे बेस्ट ये मेथड है कि वॉल को पकड़ लीजिएगा, वॉल को पकड़ के वाटर ट्रेड करने की कोशिश करिएगा मैक्सिमम जितना टाइम हो सके, जितना टाइम आप कर सकते हैं एकदम मैक्सिमम लिमिट तक करिएगा। फिर जैसे लगे आप नहीं हो रहा तुरंत वॉल पकड़ लीजिएगा। ठीक, फिर बबल्स करिएगा, देन फिर रिपीट करिएगा। ये होता है मेथड प्रॉपर कि आप गहरे डीप वाटर में किस तरह वाटर ट्रेड करते हैं। तो अब देखिए इसको अंडर वाटर व्यू भी देख लीजिए आप कि मैं किस तरह कर रहा हूँ, फिर मैं किस तरह तुरंत वॉल पकड़ ले रहा हूँ। ठीक है, आपको इसी तरह करना है। मैंने इसमें कंबाइन कर दिया है कि वाटर मतलब जो नॉर्मल बिगनर्स लोग करते हैं हैंड मूवमेंट और एग बीटर की एक ब्रश स्ट्रोक फिशल की, तीनों की मैंने दिखा दिया। और मैंने सबसे मेन इंपॉर्टेंट था कि बॉडी पोजीशन आपने देखा ऐसे मुड़ी हुई थी मेरी ना, आप एक बार फिर से देख लीजिए मेरी बॉडी पोजीशन। आपने देखा कि मेरी बॉडी पोजीशन मुड़ी हुई थी आगे ना, तो वही जो मैंने रीज़न बताया, जब बॉडी मुड़ी रहती है आगे कमर से तो थोड़ा सा इजी हो जाता वाटर ट्रेड करने में। तो ये सारे पॉइंट कंबाइन करके आप स्टेप बाय स्टेप करिएगा। जैसे वाटर ट्रेडिंग अगर आपको शैलो वाटर में आ गई है तो आप ये पार्ट टू जो है जो आप देख रहे हैं इसमें जो मेथड बताया है आप वो ट्राई करेंगे तो आप गहरे पानी में भी करने लगेंगे। और अगर अभी आप शैलो वाटर में नहीं कर पा रहे हैं पहले शैलो वाटर में ही करिए, एटलीस्ट वहाँ पे 30 सेकंड्स तक जब आप वाटर ट्रेड करने लगें तब आप गहरे पानी में अप्रोच करिएगा। ठीक है, तो ये था वाटर ट्रेड का। और अगर इसमें अभी और भी कुछ अगर आप ऐड करवाना होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।